Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to all students again. Welcome in the class of computer science. Students, hum chapter number 3 ke topics ko discuss kar rahe hain aur humne last jo topic discuss kiya tha humne dekha tha ki serial transmission aur parallel transmission kya hoti hai. Aaj ka hamara jo lecture hai students usi last hamare lecture se related hai. Data transmission ki basically two types hoti hain. One is called the parallel transmission and the second one is called the serial transmission. Aage serial transmission ki ye dono types hain jisme hamari asynchronous and synchronous transmission hai. Humne dekha tha ki serial transmission mein hum sender se receiver ko jab data send karte hain to one bit at a time हम अपनी लाइन के ऊपर सेंड कर सकते हैं फिर सेकंड बिट थर्ड बिट इसी तरह सीक्वेंशियली हम एक एक बिट को सेंड करते हैं लेकिन पैरेलल ट्रांसमिशन में हमने देखा था कि मल्टीपल बिट्स को हम सेंड कर सकते हैं एट द सेम टाइम लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि हमें मल्टीपल बिट्स को एट अ टाइम सेंड करने के लिए मल्टीपल लाइंस रिक्वायर्ड होती हैं तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये हमारी सीरियल ट्रांसमिशन की ही नेक्स्ट टाइप है एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में हमारी जो इमेज ये जो डायग्राम है उससे हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे भी हम डायग्राम से स्टूडेंट्स पहले स्टार्ट करते हैं ये हमारे पास एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है और ये हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात स्टूडेंट्स आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि सिंक्रोनाइज्ड का क्या मतलब होता है सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये होता है कि जब सेंडर डिवाइस हमारी डाटा सेंड करना चाहती है और रिसीवर उसी टाइम पे अलर्ट है रेडी है डाटा को रिसीव करने के लिए तो हम कह सकते हैं कि बोथ डिवाइसेस आर सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड है बोथ आर रेडी लेकिन अगर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को डाटा सेंड करना चाह रही है और जो सेकंड जो रिसीवर डिवाइस है वो उस टाइम पे रेडी नहीं है वो थोड़ी देर बाद हो सकता है रेडी हो इट मींस के बोथ आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड तो ये एक टर्मिनोलॉजी इस लेक्चर में आपके काम आएगी स्टूडेंट्स इसको आगे हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले इस इमेज को हम डिस्कस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द ए सिंक्रोनस यू नो ए का मतलब होता है वन एक तो आपने यही बात याद रखनी है जहां पे ए होगा उसका मतलब है एक यहां पे करेक्टर बाई करेक्टर ट्रांसमिशन होती है हम सेंडर से रिसीवर की तरफ एट अ टाइम वन करेक्टर सेंड कर सकते हैं यू नो कि आपका जो एक करेक्टर होता है उसमें एट बिट्स होती हैं एक बाइट के अंदर हम एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इट मींस कि हम एक वक्त में एक बाइट को सेंड करने लगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ये एक करेक्टर सेंड किया फिर उसके पीछे दूसरा करेक्टर सेंड किया लेकिन एक और बात स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आएगी कि जब मैंने सेंडर से रिसीवर की तरफ इस करेक्टर को सेंड किया तो मैंने सबसे पहले ये एक बिट भेजी जीरो ये मैंने क्यों भेजी ताकि जो रिसीवर साइड वाला कंप्यूटर है ये रेडी हो जाए इसको पता चल जाए कि अभी कोई मेरे पास डाटा आने वाला सो दैट्स वाई हम सबसे पहले ये बिट भेजते हैं जीरो बिट उसके बाद हम ये ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं या आप कह लें कि ये जीरो बिट हमारे जो भी करेक्टर हमने सेंड करना है उससे पहले जीरो बिट जाएगी और जब वो करेक्टर हमारा एंड हो जाएगा तो उसके लास्ट में हम जो है वो वन बिट भेजेंगे इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक करेक्टर है वो कंप्लीट हो गया अब जो नेक्स्ट आएगा वो सेकंड करेक्टर है उसके बाद थर्ड करेक्टर फिर फोर्थ करेक्टर आएगा सो जीरो रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ द करेक्टर एंड वन रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द करेक्टर तो यहाँ पे करेक्टर बाई करेक्टर जो है वो ट्रांसमिशन होती है हमने देखा था कि सीरियल में हमारी वन बिट एट अ टाइम एक एक बिट ट्रांसफर हो रही थी लेकिन यहाँ पे बिट्स एक से ज़्यादा है लेकिन हमने उसको क्या कर दिया एक फ्रेम टाइप बना दिया हमने एक पूरे करेक्टर की बिट्स को इकट्ठा हमने यहाँ पे सेंड कर दिया तो करेक्टर बाय करेक्टर यहाँ पे ट्रांसमिशन होती है दैट इज कॉल्ड द एसिंक्रोनस और जो हमारी दूसरी टाइप है दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनस
ट्रांसमिशन मल्टीपल करेक्टर्स एट अ टाइम हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। हम करते क्या हैं कि एक ब्लॉक बनाते हैं, या उसको आप ब्लॉक भी कह सकते हैं, उसको आप फ्रेम भी कह सकते हैं, और उसमें मल्टीपल करेक्टर्स को कंबाइन करके हम ट्रांसमिट कर देते हैं ओवर द लाइन। तो दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको सीरियल और पैरेलल वाला आला है कि यहाँ पे एक एक करेक्टर्स जा रहा है और यहाँ पे मल्टीपल करेक्टर्स जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि ये दोनों टाइप्स हमारी सीरियल ट्रांसमिशन की सब टाइप्स हैं, ए सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ए सिंक्रोनस इज अ टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर। एंड यू नो कि हम एक करेक्टर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो उसमें आपकी 8 bits, इसका मतलब है एक वक्त में हम 8 bits को ट्रांसफर करेंगे। द टाइम इंटरवल बिटवीन करेक्टर इज नॉट सेम, कि एक करेक्टर पहुंचा फिर उसके 1 second बाद दूसरा करेक्टर पहुंचा, फिर 3 second के बाद तीसरा, फिर हो सकता है 5 second के बाद चौथा करेक्टर पहुंचे, तो टाइम इंटरवल सेम नहीं है क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि सिंक्रोनाइजेशन या सिंक्रोनाइज्ड बिटवीन द डिवाइसेस क्या है, कि जब सेंडर डिवाइस और रिसीवर डिवाइस एट द सेम टाइम रेडी हूँ डाटा सेंडर रिसीव करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइज्ड। सो यहाँ पे एसिंक्रोनस के में डिवाइसेस आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, सो दैट्स व्हाई हमारा इंटरवल या गैप आता है करेक्टर्स में। वी यूज 0 फॉर द स्टार्ट एंड 1 फॉर द स्टॉप। बिल्कुल यहाँ पे मैंने कहा था कि हर करेक्टर के स्टार्ट में हम 0 सेंड करेंगे और एंड पे 1। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन स्टार्ट होने वाली है या मैं करेक्टर भेजने लगा हूँ और जब मेरा करेक्टर एंड होता है तो मैं 1, इट मीन्स कि मेरा एक करेक्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेकंड करेक्टर, उसके बाद थर्ड करेक्टर, टू अवॉइड द एरर्स, ताकि हमारी कम्युनिकेशन में एरर्स ना आए। तो ये जो हमारा 0 स्टार्ट होता है इसको हम स्पेस स्टेट भी कहते हैं, और जो 1 जब करेक्टर का एंड होता है तो दैट इज़ कॉल्ड द मार्क स्टेट। बिल्कुल सीरियल ट्रांसमिशन की तरह हमारी सीरियल की ये टाइप ए सिंक्रोनस स्लो है और लेस एफिशिएंट है क्योंकि हम इसमें एक वक्त में एक करेक्टर सेंड कर सकते हैं और डिवाइसेस आपस में सिंक्रोनाइज्ड भी नहीं है, टाइम इंटरवल भी आ सकता है, करेक्टर्स जो हैं वो सिक्वेंशली सेंड भी नहीं हो रहे। अगर मैं सेकंड टाइप की बात करूं तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन अ टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाई ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या किया हमने, मल्टीपल करेक्टर्स को एक ब्लॉक के अंदर पैक किया और पूरे ब्लॉक को हमने हमारी ट्रांसमिशन लाइन पर रवाना कर दिया। ईच ब्लॉक मे कंसिस्ट ऑफ मैनी करेक्टर्स, द इंटरवल बिटवीन करेक्टर्स आर सेम। यहाँ पे आपने देखा था इंटरवल सेम नहीं था, यहाँ पे इंटरवल सेम है क्योंकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर जो दोनों डिवाइसेस होती हैं हमारी वो सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, दोनों रेडी होती हैं, और यहाँ पे हमारा जो डाटा, हमारे ब्लॉक्स वो सिक्वेंशली ट्रैवल करते हैं, सो दैट्स व्हाई इट्स एफिशिएंट। ये एसिंक्रोनस से ज़्यादा एफिशिएंट है, देर इज़ नो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, यहाँ पे हमारी स्टार्ट और स्टॉप बिट को भी हम यूज़ नहीं करते। सो ये हमारी फास्ट कम्युनिकेशन है और ज़्यादा एफिशिएंट है एसिंक्रोनस से। आई होप के स्टूडेंट्स हमारा ये जो टॉपिक था सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन का, और फिर सीरियल की जो सब टाइप्स थी एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।